दोस्तों, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि Realme अपना स्मार्टफोन लॉन्च करके चला जाए और Redmi ऐसा देखता रहे, या फिर Redmi अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दे और Realme ऐसे ही देखते रहे। भाई दोनों ही में काफी कड़ा टक्कर है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि Realme अपना Realme का 6 सीरीज 6th मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, सिर्फ इसी को देखते हुए Redmi भी अपना Redmi का Note 9 सीरीज 12th मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। तो भाई ऐसे में अगर आप एक Xiaomi फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फाइनली बहुत ही लंबे इंतजार के बाद Redmi का Note 9 सीरीज का लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है। और भाई मनु कुमार जी ने यहां पर बाकायदा ट्वीट करते हुए सब कुछ बताया, और अमेजन के पेज पे बहुत सारी लीक्स निकल कर आ चुकी हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें वहां पर पोस्ट की गई हैं, और कुछ इस तरीके का पोस्टर भी मनु कुमार जैन ने पोस्ट किया है, जहां पर ये तो पता चलता है कि भाई ये जो स्मार्टफोन होने वाला है Redmi का नोट 9 सीरीज, उसके अंदर कैमरा काफी कमाल का होने वाला है। और इस पोस्टर में साफ देखा जा सकता है कि यहां पर 9 लिखा हुआ है, 9 के अंदर यहां पर कैमरा का कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है, मतलब यहां पर Redmi नोट 9 सीरीज के अंदर आपको स्क्वायर शेप के अंदर 4 कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। और तो और गाइस, मनु कुमार जैन ने एक और फोटो पोस्ट की जहां पर Redmi नोट 9 को वो छुपाते हुए दिखे, और कहीं ना कहीं उस फोन का बैक पैनल और नीचे का स्पेसिफिकेशन बिल्कुल क्लियर दिख जाता है। और गाइस, साथ में ये जो डिवाइस है अमेज़न पर भी लिस्टेड हुआ है, जहां पर काफी कमाल के इमेजेस पोस्ट किए गए हैं, और यहां पर इसकी परफॉर्मेंस, इसके कैमरा, इसके यहां पर ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के बारे में दर्शाया गया है, लेकिन क्लियर स्पेसिफिकेशंस नहीं बताई गई है। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर Redmi Note 9 और 9 Pro के अंदर आपको किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, क्या स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, और क्या प्राइस इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हे गाइस, मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हो टैगल पर स्विम यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि Redmi Note 9 सीरीज के साथ आपको कैसी डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। तो भाई, जो ये फोटो मैंने आपको पहले दिखाई, उस फोटो में ये साफ देखा जा सकता है इसका बैक पैनल आपको ग्लास का मिलने वाला है, और बिल्ड क्वालिटी कमाल की यहां पर देखने को मिली है। तो भाई ओवरऑल यहां पर तो साफ है कि Redmi Note 9 सीरीज के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्ड क्वालिटी से देखने को नहीं मिलेगी। साथ में नीचे के साइड आपने इस फोटो के अंदर देखा है कि 3.5 mm जैक और टाइप सी का यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल इस फोन के अंदर सारी चीजें है, मतलब कोई भी चीज मिस यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती है। साथ में अगर हम बात करें Redmi Note 9 सीरीज के डिस्प्ले के बारे में, तो भाई यहां पर तो इतना तो कंफर्म हूं कि यहां पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस यहां पर आपको Redmi 90Hz या 120Hz रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करा सकता है। तो इसके साथ AMOLED डिस्प्ले और कम प्राइस के अंदर देना मुश्किल है, क्योंकि भाई आपको तो पता ही है कि Redmi को यहां पर टक्कर देना है Realme के 6 सीरीज को, तो भाई प्राइस को भी ध्यान में रखना होगा, और 14 से 20 हजार के अंदर इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में इतना तो कंफर्म है कि Redmi Note 9 के साथ आपको 90Hz रिफ्रेश रेट और Redmi Note 9 Pro के साथ आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है विद IPS LCD डिस्प्ले। हालांकि यार Xiaomi के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है आपको Redmi Note 9 सीरीज के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक AMOLED डिस्प्ले दे दे और भाई उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दे। कैमरा की बात करें तो मनु कुमार जैन के इस पोस्टर से इतना तो कंफर्म है कि भाई आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा बिल्कुल स्क्वायरिश शेप में, और यहां पर आपको क्वाड कैमरा का जो मेन सेंसर होगा ना वो होगा 64 मेगापिक्सल का हो सकता है। यहां पर आपको Sony IMX686 का सेंसर देखने को मिल सकता है। आगे बात करें तो टेलीफोटो लेंस, मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसिंग, वाइड एंगल जैसे सारे ही लेंस आपको प्रोवाइड करा रही है Xiaomi स्मार्टफोन के अंदर। बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, तो भाई Redmi Note 9 और 9 Pro दो अलग अलग होंगे, तो भाई यहां पर आपको हो सकता है कि Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको डुअल पंच होल वाला कटआउट कैमरा मिल जाए। साथ में अगर हम बात करें Redmi Note 9 के बारे में, तो हो सकता है कि आपको सिंगल पंच होल कटआउट के साथ ये कैमरा आ जाए, जो कि आपको Realme 6 के अंदर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कैमरा सेटअप फ्रंट में हो सकता है। साथ में अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा के डीमैक्स के बारे में, तो भाई 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल सकता है आपको Redmi Note 9 Pro के अंदर, और Redmi Note 9 के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, यहां पर कंफर्म नहीं है। बात करें प्रोसेसर के बारे में Redmi Note 9 सीरीज के अंदर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यार Redmi Note 9 सीरीज के साथ आपको MediaTek का Dimensity 800 चिपसेट भी देखने को मिल सकता है। साथ में मनु कुमार जैन ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कंफर्म किया था कि आने वाला Redmi फोन Qualcomm के चिपसेट के साथ होगा, तो यहां पर कुछ चांसेस ये भी हो जाते हैं कि Qualcomm का Snapdragon 720 वाला चिपसेट देखने को मिले, जो कि Navic सपोर्ट के साथ है, Navic GPS सपोर्ट मिलता है। साथ में अगर हम बात करें अगर MediaTek के Dimensity 800 चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन आता है, तो भाई वहां पर आपको काफी अच्छा 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है। तर मैं कहूंगा कि यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 720G का ही चिपसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये 5G इंटीग्रेटेड नहीं है, और Dimensity 800 जो चिपसेट है वो 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट है, तो इंडिया के अंदर अभी 5G सपोर्ट नहीं है, तो इसी के कारण Redmi Note 9 सीरीज 5G के अंदर नहीं आने वाला है। लेकिन यार आप क्या सोचते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो नीचे कमेंट के अंदर अभी बताओ कि कौन से चिपसेट पे स्मार्टफोन आने वाला है। साथ में अगर हम बात करें बैटरी के बारे में, तो भाई आपने देखा ही होगा कि नोट सीरीज जो है ना उसके अंदर मेजर ट्रेंड बन चुका है 4500mAh से 4000mAh, 5000mAh तक की बैटरी। तो यहां पर आपको 4500mAh से 5000mAh तक की बैटरी मिल सकती है, और इतना तो कंफर्म है कि यहां पर आपको जो फास्ट चार्जर मिलने वाला है ना वो काफी ज्यादा कमाल का, मतलब 27 वाट या 33 वाट का हो सकता है। फाइनली अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, मतलब Redmi Note 9 सीरीज की प्राइसिंग की, तो भाई यहां पर आपको दो स्मार्टफोन मिलेंगे, Redmi Note 9 एंड 9 Pro। तो इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है ना, Redmi Note 9 आपको 15000 के अंदर देखने को मिल सकता है, Redmi Note 9 Pro 20000 या 20000 से थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है वो Realme 6 को काफी कड़ी
बड़ी टक्कर देने वाले। नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि आप किस फोन के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हो, Realme 6 सीरीज या Redmi Note 9 सीरीज के बारे में। तो बस यार आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, यूजफुल, इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, और प्रेस कर लेना बेल आइकन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।